भूमि हिमाचल प्रदेश में अपराध जगत का क्या है मिजाज? कहां हुआ कत्ल? कहां हुई चोरी? किसकी तलाश में धरपकड़ कर रही है पुलिस? कहां पुलिस दे रही है दबिश? किसने कर रखा है पुलिस को परेशान? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव शर्मा। एक नजर डालते हैं अभी तक के क्राइम अपडेट्स पर। सोलन में एक शादीशुदा युवक ने फंदा लगाकर दे दी अपनी जान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम। मामला दर्ज, आखिर क्यों की आत्महत्या, वजह जानने में जुटी है सोलन पुलिस। ये तो हद ही हो गई। शिमला के ढली फल मंडी में रात को दाखिल हुए सेब चोर। पहले फाड़ी तरपाल, फिर गाड़ी में लाद दी सेब की पेटियां। शिकायत पर थाना ढली पुलिस ने किया मामला दर्ज। शुरू हुई मामले की जांच। ऊना में बार बार तंग करने वाले सिरफिरे मजनू को महंगा पड़ा छात्रा का पीछा करना। छात्रा ने पहले पुलिस थाने में जाकर की शिकायत। मजनू के बाज ना आने पर कॉलेज में मजनू की जूते चप्पल से की पिटाई। मजनू को किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मनाली से लड़की का अपहरण करने वाले युवक को मंडी के नेरचौक उप प्रधान ने पीछा करके दबोचा। लड़की का अपहरण करके ले जा रहे थे तीन युवक। गाड़ी में खुद को बचाने के लिए लड़की लगा रही थी लोगों से गुहार। तीनों युवकों को किया गया पुलिस के हवाले। मनाली में दर्ज हुआ था लड़की के अपहरण का मुकदमा। बद्दी में एक महिला के पति और देवर ने पहले पत्थर से महिला पर किया हमला, फिर सर पर घोंप दी कांच की बोतल। महिला की हालत गंभीर। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला किया दर्ज। जारी है पुलिस की जांच। राजधानी शिमला में यातायात कानून तोड़ा तो नहीं बख्शेगी शिमला पुलिस। यातायात कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त हुई शिमला पुलिस। 24 घंटों के अंदर 242 वाहनों के हुए चालान। अभी तक का क्राइम अपडेट, जल्द हाजिर होंगे फिर से आपके सामने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अपराध जगत की उन अपडेट्स को लेकर जो आपको हाईलाइट करता है, जो आपको सावधान करता है। तो अभी बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे फिर से क्राइम अपडेट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।